नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंचाइज बाइट, जहां आपको मिलेगा फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का खजाना। आज का हमारा टॉपिक इंडिया के मोस्ट कंज्यूम बेवरेज पे है, विच इज बेस्ट टी फ्रेंचाइज इन इंडिया। हम वीडियो की शुरुआत टी बिजनेस के ग्रोथ पोटेंशियल और पास्ट परफॉर्मेंस से करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। फिर हम तीन बेस्ट टी फ्रेंचाइज के बारे में डिटेल में जानेंगे, इनके इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन, ब्रेक इवन, मंथली प्रॉफिट और सपोर्ट को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ तीन इनोवेटिव टी बिजनेस के ग्रोथ आइडियाज भी शेयर करेंगे। तो गाइस, फ्रेंचाइज बाइट से मैं हूं संतोष मजुमदार। चलिए इंडिया के बेस्ट टी फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और इंडिया में नेक्स्ट कुछ सालों में कितना ग्रो करने वाला है। गाइस, चाय चीज ही ऐसी है कि दिन में दो तीन बार इंडियंस कंज्यूम कर ही लेते हैं, सुबह घर में और दोपहर और शाम में टी शॉप्स पे। किसी काम पे फोकस करना हो या स्ट्रेस दूर करना हो, चाय हमेशा ही काम आता है। इसके वजह से चाय के आउटलेट्स हर ऑफिस प्रीमाइसेस और कॉर्पोरेट बिल्डिंग के आसपास मिल ही जाता है। इन रीजंस के वजह से लास्ट 7 years में टी चेन बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट बाय फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लास्ट 7 years में ये बिजनेस 300% ग्रो हुआ है। वाओ दोस्तों, इंडिया में टी मोस्ट कॉमन ड्रिंक तो है ही, बट साथ ही साथ ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। स्टैटिस्टा के लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो 50% इंडियंस टी कंज्यूम करते हैं, वो भी दिन में दो बार। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखें तो इंडियंस 1.2 लाख टन टी पर ईयर कंज्यूम कर रहे हैं, और नेक्स्ट 5 years में ये कंजम्पशन 1.75 लाख टन होने वाला है। तो ऐसे मैसिव टी कंजम्पशन के कारण हम 100% श्योर हैं कि टी चेन फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। गाइस, फास्ट गोइंग टी चेन फ्रेंचाइज ब्रांड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सिलेक्ट करें। इसके साथ साथ आप हमारे वेबसाइट franchisebyte.com को भी चेक करें। हमारे साथ 0 investment से शुरू करके 10 crore इन्वेस्टमेंट तक वाले 1000+ ब्रांड्स लिस्टेड हैं। दोस्तों, हमने 1 February को एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है, जहां आप पार्टिसिपेट करके फ्री बिजनेस कंसल्टेशन पा सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट के डिटेल्स के लिए हमारे स्पेशल अनाउंसमेंट वाले वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब हम फर्स्ट टी चेन फ्रेंचाइज ब्रांड को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है अमृत चाह। अमृत चाह इज नोन फॉर ऑफरिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, टेस्ट एंड हाइजीन। इस ब्रांड को एक 22 साल के यंग चैंपियन ने शुरू किया है। उन्होंने पूरे कंट्री में घूमकर जगह जगह चाय पीकर एक परफेक्ट रेसिपी डिकोड किया है। अमृत चाह का एक और हाईलाइट पॉइंट, रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने नागपुर में अमृत चाह के आउटलेट को इनॉग्रेट किया है, और उन्हें भी ये चाय काफी पसंद आई। दोस्तों, अमृत चाह के 75+ फ्रेंचाइज सक्सेसफुल चल रहे हैं और ये 2 lakh+ कस्टमर्स को एवरी मंथ चाय सर्व करते हैं। अब बात करते हैं अमृत चाह फ्रेंचाइज डिटेल्स की। ये ब्रांड 2 business model प्रोवाइड करता है, कियोस्क मॉडल और कैफे मॉडल। आप कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक लोकैलिटी, कस्टमर वॉल्यूम और आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट। कियोस्क मॉडल के लिए आपको सिर्फ 5 से 6 lakh का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और कैफे मॉडल में 10 से 12 lakh। हम सजेस्ट करेंगे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप पहले कियोस्क मॉडल से शुरू करें, और फिर बिजनेस अच्छा चल जाए तो कैफे मॉडल में अपग्रेड कर लें। अब बात करते हैं आरओआई की। दोस्तों, अमृत चाह फ्रेंचाइज का प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 60% का है। इसके वजह से इनके सारे कियोस्क आउटलेट्स का एवरेज मंथली प्रॉफिट ऑलमोस्ट 75,000 है, और कैफेज का एवरेज मंथली प्रॉफिट अराउंड 1.5 लाख का है। ग्रेट, इसके अकॉर्डिंग आप अपना आरओआई सिर्फ 6 से 8 months में अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ब्रांड आपको 0 royalty चार्ज करता है। रिगार्डिंग सपोर्ट, ये ब्रांड आपको पूरा सेटअप करने में हेल्प करेगा, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देता है और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट भी देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अमृत चाह आपको रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करता है टू इंश्योर कि कंसिस्टेंट टेस्ट रहे अक्रॉस ऑल फ्रेंचाइज। तो गाइज, अगर आप एक वेल नोन ब्रांड का टी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और मंथली अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो अमृत चाह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अमृत चाह से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और फॉर्म भर दें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। चलिए, अब टाइम आ गया है बिजनेस ग्रोथ टिप नंबर 1 का। ये टिप है चाय टेस्टिंग। आजकल कैफेज में चाय के बहुत सारे फ्लेवर सर्व होते हैं। इसके वजह से कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ्लेवर ट्राई करें। टू सॉल्व दिस, आप अपने कस्टमर्स को एक सुपर मिनी कप में सैंपल सर्व कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग।
ऐसे आप अपने न्यू फ्लेवर्स का भी सैंपल टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके आपके बिजनेस के मल्टीपल फायदे होंगे। पहला, कस्टमर्स को एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज चाय टेस्टिंग इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। दूसरा, लोग आपके टी आउटलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे फ्री एडवर्टाइजिंग होगा। तीसरा, आप न्यू फ्लेवर्स का फीडबैक ले सकेंगे। इन फैक्टर्स के वजह से आपके बिजनेस का 100% ग्रोथ होगा और आपका मंथली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। मैंने इस टिप को अपने क्लाइंट के एक टी बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है, जिससे उनके बिजनेस में 30% का ग्रोथ हुआ है। गाइज, अगर आपको हमारा ये बिजनेस आइडिया यूजफुल लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब हम अपने सेकेंड टी चेन फ्रेंचाइज की तरफ बढ़ते हैं, चाय कुल्लड़ बार। आपको नाम से तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये ब्रांड बार थीम पर बेस्ड टी आउटलेट है, और साथ ही साथ आपको इसके ब्रांड आउटलेट के एम्बियंस को देखने का मन भी हो गया होगा। इस टी चेन का मेन अट्रैक्शन है इसका एम्बियंस और इसका इंटरेस्टिंग टी एंड कॉफी का मेन्यू। ये ब्रांड अपने मेन्यू में अलग अलग फ्लेवर्स का टी सर्व करता है, जैसे रोज टी, पान टी, चॉकलेट टी, वाओ, और बार मेन्यू से इंस्पायर्ड वाइन कॉफी, रम कॉफी, आयरिश कॉफी, अमेजिंग। इन रीजंस के वजह से ये बहुत फेमस टी फ्रेंचाइज ब्रांड बन गया है, और इसका मेन प्रूफ है चाय कुल्लड़ ब्रार के 100+ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज आउटलेट्स, जो काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। चलिए अब इसकी फ्रेंचाइज डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, चाय कुल्लड़ ब्रार भी दो मॉडल्स प्रोवाइड करता है, कियोस्क मॉडल और कैफे मॉडल। कियोस्क मॉडल के लिए आपको सिर्फ 4 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है और कैफे मॉडल के लिए 7 लाख का। अगर आप इस ब्रांड के फ्रेंचाइज को लेते हैं तो आप कियोस्क मॉडल में 75,000 से 1 लाख का मंथली प्रॉफिट बना सकते हैं और कैफे मॉडल से 1.5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके वजह से आपका आरओआई विद इन 4 to 6 मंथ्स में अचीव हो जाता है। ग्रेट। ये ब्रांड भी ऑलमोस्ट 60% तक प्रॉफिट मार्जिन देता है और सिर्फ 3% रॉयल्टी चार्ज करता है। रिगार्डिंग सपोर्ट, ये ब्रांड फुल आउटलेट सेटअप सपोर्ट देता है, रेसिपीज के लिए ट्रेनिंग देता है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट भी देता है। चाय कुल्लड़ बार टी एंड कॉफी के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई भी करता है और स्टोरेज का गाइडेंस भी देता है। गाइज, वी फील कि चाय कुल्लड़ बार एक काफी इनोवेटिव ब्रांड है और इसके फ्रेंचाइज को लेने से आप अपने सिटी में बस जरूर क्रिएट कर देंगे। अगर आप इनोवेटिव टी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और वो भी कम इन्वेस्टमेंट में, तो चाय कुल्लड़ बार आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे फॉर्म भर दें। Let's move to our second tip, जो है loyalty program। दोस्तों, टी एंड कॉफी बिजनेस में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेगुलर कस्टमर्स से आता है, यानी कि वो कस्टमर्स जो आपके आउटलेट में हमेशा चाय पीते हैं। तो आप ऐसे कस्टमर्स को लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं, जिसमें एवरी टाइम दे ऑर्डर समथिंग दे गेट सम पॉइंट्स, और फिर आप उन कस्टमर्स को ये पॉइंट्स रिडीम करने का ऑप्शन दे सकते हैं, सो दैट पॉइंट्स रिडीम करके वो आपके शॉप से कुछ भी फ्री ऑर्डर कर सके As per their points value। ये सब आप एक बेसिक एक्सेल शीट में इजिली मेंटेन कर सकते हैं, और हाँ, कस्टमर्स को रेगुलर अपडेट करते रहिए अबाउट देयर पॉइंट्स, जिससे वो भी एनकरेज होंगे टू कलेक्ट मोर पॉइंट्स एंड रिडीम देम। इसके 2 मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला, कस्टमर अपना पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आपके आउटलेट से और भी ऑर्डर करेंगे। दूसरा, वो आपके शॉप के लॉन्ग टर्म तक कस्टमर्स बने रहेंगे। इससे आपके टी आउटलेट में रेगुलर कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और आपके शॉप का मंथली प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो होगा। गाइज, वी होप कि आपको हमारा ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। ऐसे और भी अमेजिंग इनोवेटिव आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। चलिए अब हम बेस्ट टी फ्रेंचाइज के लास्ट ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक प्रेमाचा चाहा। दोस्तों, एक प्रेमाचा चाहा महाराष्ट्र के एक टाउन से स्टार्ट हुआ है। राजपूरे फैमिली के 2 भाइयों ने मिलकर एक सॉलिड चाय की रेसिपी बनाई और अब वो रेसिपी सुपर हिट है। टेस्ट के अलावा इस ब्रांड का USP है इसका लो इन्वेस्टमेंट। यस, ये एक एक्सक्लूसिव टी फ्रेंचाइज ब्रांड है जो सिर्फ 1.2 लाख के इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है, और इसी फैक्टर की वजह से इनका नेटवर्क बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। एज ऑफ नाउ इसके 400+ फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। आउटस्टैंडिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रेंचाइज इन्फॉर्मेशन की। ये ब्रांड 2 टाइप का बिजनेस प्लान प्रोवाइड करता है, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। सिल्वर प्लान में ब्रांड आपको सिर्फ ब्रांडिंग और रॉ मटेरियल सप्लाई में हेल्प करेगा, बाकी शॉप सेटअप आपको खुद करना होता है। गोल्ड प्लान में ब्रांड आपको एंड टू एंड सारा सपोर्ट देगा, जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई, स्टाफ ट्रेनिंग, आउटलेट सेटअप सपोर्ट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। सिल्वर प्लान के लिए आपको सिर्फ 1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और गोल्ड प्लान में आपको 5.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। सिल्वर प्लान के लिए आपको सिर्फ 50 स्क्वायर फीट का एरिया लगता है, और गोल्ड प्लान के लिए मिनिमम 150 स्क्वायर फीट। सिल्वर प्लान लेके आप मंथली 40,000 का प्रॉफिट बना लेंगे,
और गोल्ड प्लान लेके आप 75,000 मंथली प्रॉफिट बना सकेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिल्वर प्लान का ब्रेक इवन टाइम है मैक्सिमम 3 to 4 months और गोल्ड प्लान का 7 to 8 months। इस ब्रांड के फ्रेंचाइज आउटलेट्स इजिली 60% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहे हैं और ये ब्रांड जीरो रॉयल्टी चार्ज करता है। तो दोस्तों, अगर आप लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं तो एक प्रेमा चाचा आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्रांड से कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें और फॉर्म फिल कर दें, ब्रांड से आपको कॉल आ जाएगा। हमारा टी बिजनेस ग्रोथ हैक नंबर 3 है हेल्दी टी का। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और लो कैलोरी ऑप्शन सर्च करते हैं। ऐसे में आप अपने टी शॉप में हेल्दी टी एंड कॉफी का ऑप्शन रख सकते हैं। इसमें आप शुगर के जगह स्टीविया या शुगर फ्री यूज करें और नॉर्मल मिल्क के जगह स्किम्ड मिल्क या सोया मिल्क यूज करें। सिमिलरली आप ग्लूटेन फ्री लो फैट कुकीज भी सर्व कर सकते हैं। ऐसा अमेजिंग इनोवेशन करके आप हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भी अपने टी शॉप की तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इससे आपके बिजनेस का कस्टमर बेस बढ़ेगा और आपके बिजनेस का मंथली रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी हॉट सेलिंग टी फ्रेंचाइज ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे चाय ऑप्स एंड टी पोस्ट। इन ब्रांड्स के बारे में जानने के लिए हमारे बेस्ट टी एंड कॉफी फ्रेंचाइज के ब्लॉग को चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे स्पेशल अनाउंसमेंट वाला वीडियो जरूर देखें, लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है। अगर आप किसी और फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे बेस्ट फ्रेंचाइज प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और हमारे वेबसाइट franchisebyte.com को भी विजिट करें। जाते जाते एक लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए, अब आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट।